लालगंज प्रखंड में कोरोना अब सड़कों से लेकर सरकारी दफ्तरों तक पहुंच गया है। लालगंज प्रखंड यानी लालगंज ब्लॉक कार्यालय से दिन में सोमवार के दिन दो कर्मचारी बीमार अवस्था में रेफर अस्पताल लाए गए, जिन्हें बदन दर्द, खांसी, बुखार की शिकायतें थी। तत्काल स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना की जांच की तो रिजल्ट पॉजिटिव आया। ये सुनते ही प्रखंड कार्यालय के कर्मचारियों के हाथ पांव फूलने लगे। लगे हाथ सभी कर्मचारियों ने कोरोना टेस्ट करवा लिया, लेकिन दो को छोड़कर कोई भी पॉजिटिव नहीं निकला। तब जाकर कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। दोनों को इलाज के लिए क्वारंटाइन सेंटर भेजने का प्रबंध किया गया, जबकि प्रखंड विकास पदाधिकारी पुलक कुमार ने बताया कि कोरोना मामला निकलने के बाद पूरे प्रखंड परिसर को सैनिटाइज करवाने का काम किया जा रहा है। सर, ब्लॉक में कोरोना पॉजिटिव निकला है तो उसके लिए ब्लॉक में क्या व्यवस्था हो रही है? हाँ, हमारे दो स्टाफ जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं, उनको हम लोग तत्काल यहाँ रेफरल हॉस्पिटल लेके आए जी। वहाँ से उनकी कोविड टेस्ट जांच हुई, वो पॉजिटिव निकले। फिर उसको उनको एम्बुलेंस के थ्रू राजा पकड़िया हाजीपुर सेंटर जो होगा, जहाँ डॉक्टर प्रीफर करेंगे वहाँ उनको भेज दिया जाएगा। बाकी ब्लॉक के सारे स्टाफ को हम लोगों ने टेस्ट करा लिया है, सभी लोग निगेटिव आए हैं जी। और अभी ब्लॉक का सैनिटाइजेशन हो जाएगा और तब फिर हम लोग अपना आगे का कार्य करेंगे। ब्लॉक बंद रहेगा, काम चलता रहेगा? बिल्कुल, सैनिटाइज हो जाएगा। पहले प्रेमाइसिस को सैनिटाइज करा रहे हैं जी, उसके बाद फिर काम शुरू हो जाएगा जी। सर, नाम आपका? जी, मैं पुलक कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी लालगंज। ओके सर। बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए लालगंज बाजार में थाना अध्यक्ष सीबी शुक्ला ने सिपाहियों के साथ मास्क चेकिंग अभियान चलाया। सीबी शुक्ला ने सिपाहियों के साथ पहले तो सड़क पर अनावश्यक खड़े वाहनों को हटवाने का प्रबंध किया ताकि जाम से मुक्ति मिल सके और भीड़ भाड़ कम लगे। इसके लिए सिपाहियों सहित पैदल ही उन्होंने पूरा बाजार का चक्कर काट दिया। इसके बाद बारी आई मास्क चेकिंग की तो बीडीओ लालगंज पुलक कुमार, सीओ संतोष कुमार के साथ सीबी शुक्ला ने तिनपुलवा चौक पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया। किसी भी वाहन पर और उसके वाहन चालकों पर बिना मास्क के देखे जाने के कारण उनका चालान काटा गया। इसके साथ ही पूरे बाजार में कोरोना के गाइडलाइन पालन कराने एवं शाम 7 बजे तक दुकानें बंद करवाने के लिए भी माइकिंग से प्रचार किया गया ताकि लोग कोरोना की इस महामारी में सुरक्षित रह सके। सात बजे के बाद उनका खुलाई बताया जाएगा, उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सभी दुकानदार को सूचित किया।